अपना दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कृषि जगत की उन्नति में ICAR की भूमिका हमेशा से ही अग्रणी रही है। देश में खाद्य सुरक्षा की बात हो या पोषण सुरक्षा की बात हो तो परिषद इस दिशा में निरंतर कार्यरत है और आज 1929 में स्थापित किए गए इस परिषद को 92 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे साथ सम्मिलित हो रही है माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री परसोत्तम रूपाला जी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, साथ ही परिषद के महानिदेशक, सचिव, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव गण, उच्च अधिकारी गण, गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स, विभिन्न संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के कुलपति, निदेशक, वैज्ञानिक गण, हमारे किसान और कृषि पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं आज के इस खास कार्यक्रम में। COVID-19 में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए आज का हमारा ये कार्यक्रम वर्चुअली आयोजित किया गया है। तो आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हैं ICAR गीत के साथ। जय जय कृषि परिषद भारत की, सुखद प्रतीक हरित भारत की, कृषि धन पशु धन मानव जीवन, दुग्ध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन, वैज्ञानिक विधि नव तकनीके, पारिस्थितिकी का संरक्षण, शस्य श्यामला छवि भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती से पूर्वोत्तर तक, हर पथ पर है मित्र कृषक की, शिक्षा शोध प्रसार सकल तक, आशा स्वावलंबित भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। बहुत ही मधुर गीत। आइए अब इसके साथ ही मैं अनुरोध करना चाहूंगी परिषद के सचिव श्री संजय सिंह जी से कि वे सभी का स्वागत संबोधन करें। हमारे बीच में कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी और रिमोटली हमारे से जुड़े हुए हैं कृषि राज्य मंत्री जी पुरुषोत्तम रूपाला जी, डायरेक्टर जनरल ICAR और सचिव टेयर, विशेष सचिव फाइनेंशियल एडवाइजर श्री बिंबादर प्रधान जी, मान्यवर और ICAR के साथ इस कार्यक्रम से हमारे सभी विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, ICAR के समस्त संस्थाएं जुड़ी हुई है और उनके साथ हमारा ये प्रसारण सुन पा रहे हैं। इसका लाभ उठाते हुए मैं कुछ एक बातें आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। ये हमारा 52वां स्थापना दिवस है। हम 100वें स्थापना दिवस के नजदीक पहुंचने, शताब्दी के नजदीक, उसके बारे में हमें सर्वोच्च स्तर से ये निर्देश प्राप्त हैं और इसके क्रियान्वयन में हमने डीजी साहब के मार्गदर्शन में कुछ कार्रवाई भी की है कि ICAR की ख्याति अनुसार और जो ICAR का योगदान रहा है उसके अनुरूप एक शताब्दी समारोह मनाया जाए। उसके लिए हमने यह निर्णय लिया था ICAR स्तर पर कि सभी संस्थाएं जो हमारी हैं उनके बीच में हम एक स्पर्धा करेंगे, वो एक कार्य योजना बनाकर हमारे पास में भेजें कि सबसे उत्कृष्ट कार्य योजना इस कार्य के लिए होगी, उसे सम्मानित किया जाएगा। तो उसकी मैं पुनरावृत्ति यहाँ पर कर रहा हूँ कि कृपया करके हमारे पास अभी तक कोई किस प्रकार का कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई है, तो सब हमारी संस्थाएं जुड़ी हैं, हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जुड़ी है, केवी के जुड़े हुए हैं, तो कृपया किसी प्रकार का हम एक कार्य योजना बनाकर हमारे पास में भेजें ताकि हम अगले हमारा काम किसी प्रकार से आयोजन कर सकें।
इस समय का लाभ उठाते हुए एक बार आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, माननीय कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय कृषि मंत्री जी के निर्देश पर और डीजी साहब के मार्गदर्शन में हमने कुछ एक चीज पहल हम कर रहे हैं, तो शीघ्र ही उनके बारे में आपको पता चलेगा कि क्या व्यवस्था हमने विकसित की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक उद्देश्य है, वो है कि हम प्रासंगिक रिसर्च करें और रिसर्च हमारी समाधान कारक हो, कृषि की जो समस्याएं हैं उनके अनुरूप प्राथमिकता है। हमें माननीय मंत्री जी की ओर से और सर्वोच्च स्तर से प्राप्त होती रहती है, तो इसके अनुरूप हम एक व्यवस्था विकसित कर रहे हैं जो अभी शॉर्टली आपको पता चलेगी, जिसमें कि रिसर्च प्राथमिकता आधारित इस रिसर्च की मॉनिटरिंग समीक्षा का एक ढांचा रहेगा। कुछ प्राथमिकताओं पर रिसर्च नहीं हो रही है, नहीं होती है, तो उन्हें किस प्रकार से हम प्रोत्साहित करें, तो उसकी एक व्यवस्था हमें एक समग्र रूप से तैयार कर रहा है डीजी साहब के मार्गदर्शन में और माननीय मंत्री जी के निर्देशानुरूप। कृषि विज्ञान केंद्र हमारे साथ में सभी जुड़े हुए हैं, तो उनसे मेरा विशेष रूप से एक माननीय मंत्री जी के जो निर्देश अनुसार एक मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि कृषि विज्ञान केंद्र की आउटरीच प्रकार से और उसमें वृद्धि हो और वो मांग अनुसार हम समस्या का समाधान कर सकें, तो उस दिशा में हम एक समग्र व्यवस्था लागू कर तैयार कर रहे हैं, जिसमें जो जितने भी साइंटिस्ट जिससे कि क्या हमें तो उसके उद्देश्य क्या हो, पहले हमारा विस्तार हर कृषक तक पहुंच सकता है, दूसरा ये कि किस प्रकार से हमारी जो ट्रेनिंग है वो आवश्यकता अनुसार हो सके, तीसरा ये कि जो हमारी टेक्नोलॉजी किस प्रकार से जिन्हें आवश्यकता है उस प्रकार की तकनीक की जहां तक पढ़े की बातें, तो इसकी क्या व्यवस्था होने की मैं आपसे सुझाव जान साइंटिस्ट हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में कार्य कर रहे हैं उनसे लेना चाहूंगा, तो आप कृपया करके अटारी के जरिए हमें सुझाव मेरे ईमेल आईडी पर आप कृपया करके भेजें कि ताकि हम एक जल्दी ही एक सुदृढ़ किस्म की व्यवस्था का निर्माण कर सकें। ये जो कार्यक्रम हम आज आयोजित कर रहे हैं इसमें हमारा पुरस्कार समारोह, पुरस्कार के लिए 161 हमने अवार्डीज हैं इस समारोह में जिनके पुरस्कार किया जाना है, 141 हमारे साइंटिस्ट हैं उनमें से 19 महिलाएं हैं, तो बहुत सी जो हमने तकनीकी विकसित की हैं उनको यहाँ पर हम अनवेल करेंगे, उनको आपके समक्ष करेंगे, तो ये सब इस कार्यक्रम के लिए में किया जाना है। तो मैं अंत में आप सबका पुनः आग्रह करता हूँ, पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग सब उपस्थित हुए और विशेष रूप से माननीय मंत्री जी का, माननीय राजमंत्री जी का, माननीय रूपाला जी का जो रिमोटली हमारे से कनेक्टेड है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आगे बढ़ते हुए गुजारिश करना चाहूंगी परिषद के महानिदेशक एवं जय सचिव डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी से कि वे सभी का संबोधन करें और साथ ही परिषद की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। सम्मानीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री एवं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, सम्मानीय अतिथि कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, अन्यतम सम्मानीय अतिथि सम्मान्य कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य भारत सरकार के विभाग के सचिवगण जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं अपने तरफ से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तरफ से आप सबको हार्दिक स्वागत ज्ञापन करता हूं, अभिनंदन ज्ञापन करता हूं आज के शुभ अवसर पर, 92वां स्थापना दिवस एवं
अवार्ड सेरेमनी आज जो यहाँ हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, विशेष रूप में हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो हमें अपना बहुमूल्य समय दिए, अपना मार्गदर्शन हमें दिए, किस तरीके से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कामकाज में परिवर्तन किया जाना चाहिए। हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात रहा और उसी दिशा में हम आज से प्रतिबद्धता के साथ आगे चलेंगे। आभार व्यक्त करेंगे हमारे सम्माननीय तीनों मंत्री महोदय जी का, विशेष रूप में हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री महोदय आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। लगातार कई बार हमारे सारे पहलू पर हमारे प्रेजेंटेशन लेते हैं, चर्चा करते हैं, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ विषय पर महोदय आप चर्चा करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं और उसके हिसाब से हमारे कार्यक्रम में परिवर्तन लाते हैं, ताकि हमारा जो उपलब्धि है वो खाली हमारे लैब में सीमित ना रह जाए, वो किसान तक पहुंचे, किसान का फायदा हो और देश का फायदा हो, उसके लिए विशेष आभार व्यक्त करते हैं महोदय आप सब लोग तीनों का। बीते हुए वर्ष हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण रहा, संक्षेप में आपके सामने रखूंगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे काफी कार्यक्रम रहे, आपको विदित है कि हमारे दो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रहे, ग्लोबल पोटैटो कॉन्फ्रेंस, और जिसमें हमें सौभाग्य मिला सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य अतिथि के रूप में रहना और हमें उद्बोधन देना, दिशा निर्देश देना। और ये बड़ी बात रहा कि जो हमारे एक कार्यक्रम गांधीनगर में हुआ, वहाँ फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन एग्जीबिशन भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ, वो पहली बार इस तरह का उदाहरण यूनिक था। और इसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स कांग्रेस जो किए थे, वो भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रहा, जिसमें सम्माननीय मंत्री महोदय रहे, उसका प्रेसिडेंट रहे और उद्घाटनी उत्सव में। और उसके साथ साथ आप सब लोग जानते हैं बिल गेट महोदय भी उपस्थित रहे और हमें उद्बोधन, काफी बाहर से 300 से ज्यादा हमारे डेलीगेट्स विभिन्न देशों से आए, चर्चा चला और काफी नए नए निर्णय भी हुए, रिकमेंडेशन आए। और इसके साथ साथ हमारे जो विभिन्न देशों के साथ जो हमारे समझौता है, जैसे बिम्स्टेक देशों के साथ हमारे समझौता है, और सम्माननीय रूपाला जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग में यहाँ उपस्थित रहे, खास करके म्यांमार में हुआ था, और हमारे सम्माननीय कैलाश चौधरी जी भी हमारे ब्रुनेई में जो फिफ्थ एशियन मिनिस्ट्रियल मीटिंग रहा उसमें भी उपस्थित रहे। और उसका फायदा यह होता है कि उन देशों के साथ हमारा कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। जैसे इस कार्यक्रम के बाद हम लोगों का बिम्स्टेक देशों के साथ उनके जो वैज्ञानिक इधर आए और यहाँ क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम के ऊपर उनका सेमिनार कराया गया, ट्रेनिंग कराया गया और एक्सपोजर विजिट रखा गया और काफी जानकारी भी दिया। हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किए करते आए हैं, जो CGIAR इंस्टीट्यूशन है उनके साथ मिलकर हर साल चर्चा करते हैं, हमारा कार्यक्रम तय करते हैं। इस साल भी रहा, काफी सफलतापूर्वक हम लोगों ने बहुत नए दिशा में आगे काम करने का तय किया। और वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर जो ताइवान में, उसके साथ हमारा समझौता था नहीं, जो पहली बार उनके साथ किया गया और उनके साथ मिलकर हमारी जो बागवानी फसल खास करके साग सब्जी में जो रिसर्च हो रहा है उसको काफी बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह का हम लोगों ने जातीय स्तर पर भी काफी कार्यक्रम हमने शुरू किए, विशेष रूप में हमारे जो समझौते हुए हैं नबार्ड के साथ और पतंजलि के साथ, पतंजलि के साथ जो समझौता स्वाक्षरित हुआ, सम्माननीय तीनों मंत्री उपस्थित रहे,
और इसी तरह का नाबार्ड के साथ हम लोगों ने जो एमओयू साइन किए उसके बाद हम लोगों ने वर्क जॉइंट वर्किंग ग्रुप का मीटिंग भी कर चुके हैं। हमारे आगे का कार्यक्रम क्या होगा वो भी हमें डिसाइड कर चुके हैं। तीन चार हमारे एरिया भी डिफाइंड हो गया। तो ये बड़ी बात है, नाबार्ड के साथ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जैसे हमें ऑयल फार्म के ऊपर काम करना है, क्लाइमेट रेसिडेंट विलेज के ऊपर काम करना है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा देना है और बैंकेबल जो प्रपोजल है हमारे पास उनके पास हम पहुंचा दिए हैं। तो इस तरह का काफी काम हम आगे बढ़ा रहे हैं। आईसीआईसीआई फाउंडेशन के साथ भी हम लोगों ने एमओयू किए हैं और किसान के पास किस तरीके से ज्यादा टेक्नोलॉजी पहुंचे उसके बारे में उनके साथ मिलकर काम करने के लिए हम लोगों ने उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी किसान के पास पहुंचाना और जो लैब टू लैंड इसमें जो गैप है उसका भरपाई करना, तेजी के साथ आगे बढ़ना, उसी दिशा में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। और जैसे बताया गया इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे कॉमन सर्विस सेंटर 3.5 लाख उसके साथ हम कृषि विज्ञान केंद्र को जुड़े हैं। और डॉक्टर ए के सिंह हमारे दीदी जी एक एक्सटेंशन इसमें लगे हुए थे और ये सफलता पूर्वक समाप्त हुआ। इसी तरह का हम लोगों ने बाकी जो हमारे नॉर्मल कार्यक्रम है किसान को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग कराना और OFT कराना, वो सारे और प्लांटिंग मटेरियल देना बड़े पैमाने पर सफलता पूर्वक इसको किए हैं। उसका डिटेल्स हम नहीं जाएंगे। और बड़े बड़े अभियान, जल शक्ति अभियान हुआ और ट्री प्लांटिंग अभियान हुआ, सारे बड़े बड़े अभियान में हम लोग भाग लिए हैं। लाखों संख्या में किसान के किसान को बुलाकर विज्ञान केंद्र में मिला किए हैं और उनके ब्लॉक में स्तर पर जाकर भी उनके साथ मिलकर उनके साथ हमारे संपर्क बनाकर टेक्नोलॉजी देने के लिए प्रयास की। कृषि शिक्षा के दिशा में हम लोगों ने हमारे जो नेशनल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट था काफी प्रगति उसमें लाए हैं और इंटेंसिटी के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन किए हैं। और दो चीजें जो उसके ऊपर जोर दिए हैं, एक है उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और उसके साथ साथ इस तरीके से हमारी जो गुणवत्ता है शिक्षा में उसको उसको काफी आगे बढ़ाना और जोर देते हैं। और ये आगे बढ़ा है और उसका डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, समय के अभाव है। और शोध में भी इसी तरह का काफी उपलब्धियां हमारे सामने है और उसका डॉक्यूमेंट होगा, ज्यादा उसके बाद नहीं बताएंगे। बट अभी जो हम लोगों ने हनीबल में क्लोनिंग किए हैं और जो हम लोगों ने नए नए देसी नस्ल का जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए और उसी तरह का जो ब्रुसेला के अगेंस्ट जो नए वैक्सीन लाए, ये काफी अच्छे उपलब्धियां हैं और देश को आगे जाकर काफी मदद किसान को करेगा। और जो पशुओं में जो हमारे ग्रीनहाउस गैस एमिशन होता है उसको कम करने के लिए जैसे हरित भरा जैसे फूड सप्लीमेंट बनाए और उसे 15% तक इंटरनेशनल लाइफस्टाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर शोध करते हुए ये हम सिद्धांत में पहुंचे हैं कि उसका 15% ग्रीनहाउस गैस एमिशन कम हो सकता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हस्बेंड्री जो सेक्रेटरी साहब हैं उनको दे रखे और ये काफी आगे उनके साथ काम भी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, काम में आएगा। रंगली मछली के ऊपर काफी शोध किए हैं, 11 रंगली मछली को हम आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश ब्रीडिंग किए हैं, फिर प्रोडक्शन का व्यवस्था किए हैं और 16 नए 30 स्पीसीज हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं विभिन्न प्रदेश से विभिन्न इलाका से देश के। ये बड़ी उपलब्धि है। ब्लू रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए डाइवर्सिफाइड पीस कल्चर एक्वाकल्चर सिस्टम लाने के लिए ये मददगार साबित होंगे। और इसी तरह का हमारे केज कल्चर को भी पिछले साल हमने हजारे केज समुद्री केज बनाने में मदद किए हैं, सपोर्ट बैकस्टपिंग किए, टेक्निकल बैकस्टपिंग किए और पिछले 5 साल में हमने 1,500 किए थे और पिछले 1 साल के अंदर 19-20 में 1,000 स्तर का करने में मदद की। इसी तरह का काफी उपलब्धियां बाकी चीजों में है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो लैंड इन्वेंटरी बनाए हैं, रिसोर्स इन्वेंटरी जो CIR को दिए जो आवश्यकता था और आगे पूरा कर रहे हैं और ये अटलास माइक्रो न्यूट्रिएंट का बनाए हैं। इस तरह के काफी उपलब्धि देश के काम में आ रहा है। बाकी कंटीजेंसी प्लान बनाना जो सारे दिशा में क्लाइमेट रेसिडेंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना काफी उपलब्धि इस दिशा में हमारे पास है।
नए नए इक्विपमेंट लाना, बयालीस नए नए इक्विपमेंट लाए हैं और विभिन्न पद्धति बनाए, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी बनाए हैं। और बड़ी बात यह है कि हमारे जो हैप्पी सीडर जो बनाए थे उसको इस्तेमाल करते हुए जो हमारे फसल अवशेष को जलाया जाता था उसमें 2016 के तुलना में 2019 में 52% कमी आई और हैप्पी सीडर हम जो हमारे जो मशीन है उसका इस्तेमाल करके संभव हुआ। इसी तरह का हमारे नए नए फसल में जो हमारे क्रॉप और हॉर्टिकल्चर में नए नए किस्म भी लाए हैं और किसान के पास पहुंचाए भी हैं। और उदाहरण ये है कि हमारे CO238 जो हमारे गन्ने का किस्म रहा और उसमें काफी 80% तक रिप्लेसमेंट किया है पुराने वैरायटी को। और 2 मिलियन हेक्टर से ज्यादा उत्तरी भारत में ये विभिन्न प्रदेश में गया है और उसके चलते हमारे चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। 25 मिलियन टन से हम 32 मिलियन टन तक पहुंच गए, बहुत बड़ी उपलब्धि और एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। इस तरह के काफी उपलब्धियां हैं, ज्यादा ना बोलते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप में हमारे जितने सहकर्मी हैं यहाँ हेडक्वार्टर में संस्थान में सबको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपके सहयोगिता के लिए। और विशेष रूप में जो आज अवार्ड विनर्स है उनको बधाई देता हूँ, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और आगे का कार्यक्रम हम काफी ये तय भी किए हैं किस तरीके से हम इकोसिस्टम बेस्ड रिसर्च करेंगे और वन हेल्थ के ऊपर काफी जोर देते हुए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर रिसर्च करेंगे और डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर और भी शोध करेंगे, शुरू किए हैं अभी अभी। और जी एडिटिंग को कैसे बढ़ावा देते हुए जोर देते हुए और प्रतिबद्धता के साथ कैसे इसको आगे लिया जाए, जीएम क्रॉप्स में ज्यादा फायदा हम ले नहीं पाए हैं अपने तरफ से, बट जीन एडिटिंग में हम आगे देश को ले सकते हैं। और इस तरह का हमारा प्लानिंग है, योजना है और मैं समझता हूँ आप लोगों के सहायता से सफल होगा। और विशेष रूप में हमारे तीनों मंत्री महोदय जो उपस्थित हैं आज, उनके जो दिशा निर्देश रहा है और जो हमारे मार्गदर्शन रहा है उसके चलते हमारे ये सब संभव हुआ है। और आप सबको विशेष रूप में हम धन्यवाद देते हैं, तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं आपके ये कार्यक्रम में जो भी आपका मार्गदर्शन हुआ है। और आप सबको धन्यवाद देते हुए यही समाप्त करता हूँ विशेष रूप में हमारे सम्मान्य मुख्य अतिथि का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महानिदेशक महोदय, आगे भी परिषद ऐसे ही कई मुकाम हासिल करे इसी कामना के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। और अब अनुरोध करना चाहेंगे माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी से कि वे सभी से अपने विचार साझा करें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 92वें स्थापना दिवस और पुरस्कार वितरण समारोह में हमारे बीच में विराजमान हमारे भारत सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब और हमारे बीच में विराजमान हमारे राज्य मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह पुरुषोत्तम जी रूपाला साहब और हमारे डीजी साहब महापात्रा जी और हमारे बीच ही विराजमान हमारे वित्तीय सलाहकार प्रधान साहब और सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए सभी हमारे ऋषिगण और सभी कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे जुड़े हुए साइंटिस्ट और सभी प्रेस और मीडिया के बंधुओं, आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना के अवसर पर हम सबको हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। और इस बीच अभी हमारे को जैसा हमारे डीजी साहब ने जैसा पूरी विस्तृत जानकारी दी और जो हमने इस एक वर्ष के अंदर जो हमने उपलब्धियां हासिल की और इसके साथ ही आने वाले समय में हमारे को क्या टारगेट है कि इस शताब्दी वर्ष है और इस शताब्दी वर्ष के अंदर निश्चित रूप से हमने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया उस लक्ष्य को भी हम अचीव करेंगे, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है। और इस समय जैसा कि आज ये स्थापना दिवस है तो इस अवसर पर मैं सभी हमारे अधिकारियों को और सभी
जो साइंटिस्ट हैं उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगा, और साथ ही जो आज जिनको पुरस्कार वितरण होगा उनको भी मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है। और निश्चित रूप से ये एक लंबी यात्रा है और 92 साल हो चुके हैं इस यात्रा के अंदर, और निश्चित रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो उपलब्धियां हासिल की गई और जिसकी वजह से जो एक समय में हमारा देश कई ऐसी खाद्य सामग्री थी जिसका हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी है कि कई ऐसी खाद्य सामग्री जो है जो जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए हैं, तो इसके अंदर निश्चित रूप से इस देश के किसानों का और हमारे साइंटिस्टों का निश्चित रूप से योगदान रहा, जिसकी वजह से आज खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना है। तो इसमें हमारे ICAR का विशेष तौर से योगदान रहा है। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के अंदर जैसा कि हमारे साइंटिस्टों की भूमिका रही, किसानों की भूमिका रही, लेकिन अभी भी हमें इस यात्रा को और आगे बढ़ाना है और हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि आज दिन तक हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो निश्चित रूप से नीचे धरातल पर काम कर रहे हैं, और जैसा कि आज देश के अंदर कृषि का क्षेत्रफल है वो जिस तरह से घट रहा है उसके बावजूद भी उत्पादन बढ़ रहा है, तो इसमें हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जिसकी वजह से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस समय जैसा कि कोविड जैसी महामारी है और इस कोविड की महामारी के बीच भी हमारे अधिकारी और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के ऐसे कई उदाहरण हैं, हमारे कई यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने इस कोविड के समय में भी जाकर और इस काम को रोका नहीं और जाकर जहां भी आवश्यकता हुई, चाहे वो फिशरीज के अंदर हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के अंदर हो, या चाहे बीज के उत्पादन को लेकर हो, जहां भी आवश्यकता हुई तो निश्चित रूप से हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस कोविड की महामारी के बीच में काम भी किया, और जिसकी वजह से आज ये मैं कह सकता हूँ कि इस महामारी से जहाँ एक तरफ पूरा विश्व परेशान है, लेकिन हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो नवाचार भी इस समय में किए गए और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से चाहे काम करने की आवश्यकता हुई, चाहे हेल्पलाइन की स्थापना करके और किसानों को जानकारी देने का अवसर हुआ, तो भी हमने उस काम को अंजाम तक पहुंचा और जिसका इस कोविड के समय में किसानों को लाभ भी अवश्य मिला। और जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि 2022 तक हमारे किसानों की इनकम डबल करना है, तो ये हमारे लक्ष्य को जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की उम्मीद है वो हम सबके ऊपर उनको भरोसा है, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया और 2022 तक का लक्ष्य लिया है, तो इसको हम अवश्य रूप से इसको पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से हमारे इनकम को डबल करने के लिए हमारे जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और पशुपालन मत्स्य और पोल्ट्री के अंदर भी हमारे को काम करने की निश्चित रूप से ये जागरूक करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक किसान इस क्षेत्र में जागरूक नहीं होगा तब तक मैं सोचता हूँ कि इसके लिए हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, तो इस दिशा के अंदर भी हमें काम करने की आवश्यकता। और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से कृषि के अंदर इस जो बढ़ावा देने के लिए बजट के अंदर भी प्रावधान किया है, तो पहले जहां पर बजट जो होता था कृषि के अंदर वो आप देख लें कि 2014 से पहले के जो बजट है उस बजट के अंदर जहां सिर्फ 30,000 करोड़ के आसपास बजट हुआ करता था, इससे अधिक नहीं हुआ, लेकिन पिछले साल का भी जो बजट है वो लगभग 1,37,000 करोड़ था, वही इस बार भी जो कृषि का बजट है वो 1,50,000 करोड़ से अधिक का बजट है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि कृषि के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा शक्ति यही है, सोच यही है कि किसानों का जीवन कैसे बेहतर हो, आत्मनिर्भर भारत बने, उसमें किसान की भी भूमिका निश्चित रूप से होगी, तो इसलिए कृषि के अंदर हम सबको मिलकर कृषि के क्षेत्र को हम आगे बढ़ाना है। जैसा कि हमें इसके अंदर बहुत बड़ा एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर हमें काम करने की आवश्यकता है, और जिसके अंदर पशुपालन है हमारा और फिशरीज है, उसके अंदर हमें और काम करने की आवश्यकता है। जहां पर पशुपालन की अगर बात करें
तो जो हमारी नस्लें हैं उन नस्लों के अंदर, जैसा अगर चाहे गाय की है या भैंस है या बकरी है, जो भी पशु है, उसके अंदर हम दूध के उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर हमें और काम करने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि कई दूसरे देशों के अंदर हम देखते हैं तो वहां पर जिस तरह से उत्पादन की और अपने देश के अंदर जो उत्पादन उसके अंदर वृद्धि करने की आवश्यकता है, तो हम किस तरह से हमारे साइंटिस्ट हैं वो इसको और बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास में बहुत ऐसे अवसर है कि हम हमारे किसान की इनकम को बढ़ा सकते हैं और नई नई नस्लें नई उसके अंदर हम सुधार कर सकते हैं, जैसे पशुधन के अंदर हम इस दिशा के अंदर काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि चाहे पशु है, हमारे बकरी जो एक जिसके अंदर भी हम बकरी पालन का भी है वो भी काम कर रहे हैं, भेड़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं, मत्स्य भी हम काम कर रहे हैं और इसके अंदर हमने अचीव भी किया है, एक रिकॉर्ड भी बनाया है, लेकिन इसमें हम और ज्यादा बेहतर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आईसीएआर ने निरंतर नए अचीव किए हैं और मैं तो इस अवसर पर आपको यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो आत्मनिर्भर भारत है जो अभियान है, इसके अंदर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और मुझे जहां तक लगता है कि कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जो योजनाएं जुड़ी हुई है उन योजनाओं को हम जमीन तक पहुंचाएंगे तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जैसा कि हमारे इस समय जलवायु की परिवर्तन की भी समस्या है, उसके बीच में हम जिस तरह से काम करते जा रहे हैं उसके अंदर मेरा भारत मेरा गौरव का कार्यक्रम है, जहां पर हमारे साइंटिस्ट है वो 10-15 दिन जाकर उस गांव के अंदर डेमोंस्ट्रेशन देते हैं, उसके बाद वो वहां पर और किसान आते हैं सीखते हैं। इसी तरह से फार्मर फर्स्ट का प्रोग्राम है और हमने जिस तरह से उसके अंदर भी किसान है वो अपने वहां पर काम करते हैं और एक दिखाते हैं कि हम किस तरह से अपने इसको डेवलप कर सकते हैं। इस दिशा के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप का भी हमारे कार्यक्रम है, उसके अंदर भी हमें कौन सी क्रॉप है उस डिस्ट्रिक्ट की उसके ऊपर हम अधिक से अधिक काम करेंगे तो हम उसके अंदर सफलता हासिल कर पाएंगे। आर्य योजना बहुत अच्छी योजना हमारी है और इस योजना के अंदर मैं तो ये कहूंगा कि हमारी आर्य योजना के अंदर जो हमारे युवा है उन युवाओं को ज्यादा से ज्यादा हम एग्रीकल्चर के साथ साथ उनको उद्योग से साथ में कैसे जोड़ सकते हैं उसकी ट्रेनिंग का भी हमें बढ़ावा देने की आवश्यकता रहेगी। और इसके अंदर विशेष रूप से मैं यही कहूंगा कि हमारी कृषि के क्षेत्र के अंदर जहां हम देखते हैं अधिकतर हमारी बहनें काम करती हुई, हमारी जो महिलाएं हैं वो खेत के अंदर काम करती है और घर में भी काम करती है, तो मैं सोचता हूं कि इस के अंदर जो हमारी बहनें हैं उनको भी ट्रेनिंग के अंदर जोड़कर अधिक से अधिक अगर हम करेंगे तो वो भी इस क्षेत्र में काम करेगी। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है वो एक सीड हब कैसे बन सकते हैं, क्योंकि आजकल जो बीज है उसके अंदर भी किसान की उम्मीद यही होती है कि वो उसको अच्छा बीज मिले, तो एक वहां पर हम अच्छा स्थापित कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा यही है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो एक ऐसा सेक्टर ऐसा स्थान बने कि जहां पर हर किसान की उम्मीद है कि उसको कोई एक ऐसा स्थान जहां पर वो जाएगा तो उसको न्याय मिलेगा, तो जिले का मुख्य जो है कृषि विज्ञान केंद्र है उसको हम किस तरह से मजबूत कर सके इस विषय पर भी हमें काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 10,000 FPO बनाने का भी लक्ष्य लिया, ये भी कृषि विज्ञान केंद्र से सीधा जुड़ाव का विषय और इस तरह से ये किसान है तो वहां पर उनको जानकारी भी हो, तो ये आने वाले समय में कृषि किसानों की इनकम बढ़े इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका और शिक्षा के साथ भी अगर बात करें तो आज हमारा युवा है वो कृषि के साथ में कैसे जुड़े और अधिक से अधिक जहां इसके साथ जुड़ेंगे तो भारत के अंदर कृषि को बढ़ावा मिलेगा। आज कृषि की बात करें एक समय उत्तम खेती मध्यम व्यापार और नौकरी को लास्ट में पसंद करते थे, लेकिन उस कालखंड ऐसा रहा जिसके अंदर आज नौकरी की और ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे तोमर साहब के नेतृत्व में जिस तरह से योजना बनी है तो आने वाले समय के अंदर उत्तम खेती होगी और लोग कृषि को व्यापार की ओर भी ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसी योजना है उसमें कई नवाचार भी हुए हैं और मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो ये सफलता अवश्य मिलेगी। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं बात को पूरी करूंगा कि आज ये इच्छा शक्ति हम सब में होनी चाहिए
और जैसा कि भारत 1947 में आजाद हुआ और जापान 1945 के अंदर उसके ऊपर परमाणु बम गिराए गए तो उसका सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जापान ने इतनी तरक्की कर ली कि आज वो विश्व के अन्य देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, वो आज हर क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो आज आत्मनिर्भर बन चुका है। लेकिन भारत के अंदर इन 70 सालों के अंदर भी आज 60% लोग बीपीएल है, तो इस दिशा के अंदर जैसा कि इसके पीछे कारण है कि जो राष्ट्र का नेतृत्व तो जिनके हाथों में होता है, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों के हाथों में होता है या उस देश को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति की होती है, तो इसकी वजह से जहाँ जापान के लोग जिस समय उस समय काम करते थे जब उनके ऊपर परमाणु बम गिराए उसके बाद में, तो वहां के जो लोग थे वो लोग उनको अगर ड्यूटी पर जाना होता था तो सुबह 10 बजे से लेकर उनकी 5 बजे तक का समय होता था, तो रात को 8-9 बजे तक वहां पर काम करते थे। तो उस समय उनको कहा, किसी ने यहाँ से पूछा कि आप लोगों का समय तो 5 बजे है लेकिन आप 8 बजे तक या 10 बजे तक रात को काम क्यों करते हैं, तब उनका जो जवाब था वो हम सबके लिए प्रेरणादायक था। उनका कहना था कि वो ये कहते थे कि अगर जो हम 5 बजे तक काम करते हैं वो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे पेट के लिए काम करते हैं, हमारे स्वयं के लिए काम करते हैं, लेकिन उसके बाद का जो एक्स्ट्रा समय का जो हम काम करते हैं वो हमारे देश के लिए काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर इसका उल्टा होता था, 3 बजे घड़ी देखना प्रारंभ कर देते थे और 4 बजे हम ऑफिस से निकलने की सोचते थे। तो इस वजह से भारत के अंदर वो सारी इतना आज तक बीपीएल है या जिस तरह से स्थिति है, तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसा देश के अंदर राष्ट्र जागरण का काम किया और आज हर व्यक्ति की इच्छा शक्ति है, और आज मैं यहाँ पर हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको देख रहा हूँ, हमारे अधिकारी को भी देख रहा हूँ कि उनके अंदर भी जिस तरह से करने का एक जज्बा है, तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास के साथ मैं आप कह सकता हूँ कि वो लक्ष्य अवश्य पूरा होगा और हम ये जो आज ये टीम है ये अवश्य उस लक्ष्य को पूरा करेगी और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस तरह ICR निरंतर काम कर रहा है, जैसा हमारे कई साइंटिस्ट है जिन या हमारे किसान है जिनको सम्मानित भी किया गया है और पद्मश्री अवार्ड से भी हमारे एक बहन है जिनको सम्मानित किया गया है, तो निश्चित रूप से हम किसानों के सहयोग से नवाचार करते हुए हमारे साइंटिस्ट और हम सब मिलकर आने वाले समय के अंदर ऐसा कुछ करके दिखाएं जो हम इस लक्ष्य को पूरा, प्रधानमंत्री जी का सपना उसको पूरा कर सकें। और जैसा कि टारगेट है जब हम शताब्दी मनाएं उस शताब्दी के अंदर जैसा हमारा एक लक्ष्य निर्धारित करके उसको पूरा करेंगे तो अवश्य रूप से वो जो सेक्टर है जिसके अंदर हम बहुत कुछ 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स तक पहुंचाना जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है उसके अंदर कृषि का बहुत बड़ा योगदान होगा और वो आप सबके सहयोग से होना है। इसलिए बात देकर मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज इस अवसर पर आपको पुनः मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जो अभी सम्मानित होने वाले जो हमारे हैं उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं माननीय मंत्री मोदी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि ICR के इस कार्यक्रम में आप पधारे और आज आपका मार्गदर्शन मिलेगा। तो इस मार्गदर्शन के अंदर निश्चित रूप से हमारे कृषि अनुसंधान परिषद है वो आगे बढ़कर काम करेंगे और इस लक्ष्य को जो आप देंगे उसको, टारगेट को मानते हुए हम उसको पूरा करेंगे। ऐसी बात करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री महोदय, सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला जी से, जो हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं, कि वे सभी को संबोधित करें और कृषि जगत में जो भी बदलाव हो रहे हैं उस पर अपने विचार साझा करें। जी राम राम। श्रीमान तोमर साहब आपको नमस्कार, कैलाश जी नमस्कार, महापात्रा जी नमस्कार, और ये अभी आज के कृषि अनुसंधान परिषद के 92वें स्थापना दिवस पर हम सब मिल रहे हैं उस शुभ अवसर पर आप सबको बधाई। ये हम वर्चुअल मीटिंग में जब मिलते हैं तो हमें समय का बड़ा अनुसंधान रखना पड़ता है और उसमें हमें इतनी आजादी नहीं होती है कि हम ज्यादा बोल सके, इसलिए महापात्रा जी ने और कैलाश जी ने, मैं मानता हूं कि सारी चीजें रख दी है। मुझे 1-2-3 बिंदु इसमें ऐड करना है, बाकी सबको शुभकामनाएं देना है, सबको धन्यवाद देना है, महापात्रा जी की टीम को बहुत बहुत बधाई।
एक तो महापात्रा जी मैं आपको इसलिए बधाई दे रहा हूं कि आपने इसी कोविड जैसे संकट काल में काम करते हुए प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करने का काम कर दिया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं मानता हूं कोई प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में आईसीआर का रिव्यू किया हो, ये मेरे संज्ञान में तो नहीं है, और इतना रसपूर्वक। तो आप इसको, उन्होंने जो भी दिशा निर्देश उस समय दिए हैं, हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे तो जरूर हमारा और कृषि जगत का फायदा होगा। तीन बिंदु है हमारा, फार्म मैकेनाइजेशन और फार्म वैल्यू रियलाइजेशन और खाद्य प्रसंस्करण। इन तीनों चीजों में हम ग्लोबल से पीछे हैं। तो उसी के बारे में हमारे इस कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से हम कैसे इसमें देश को और देश के कृषि जगत को आगे बढ़ाएं, उसका अपने जो कामकाज की सूची बनती है उसमें उसका संज्ञान लिया जाए, ऐसा एक मेरा नम्र अनुसंधान है। दलहन के क्षेत्र में जैसे हम आत्मनिर्भर हो गए, उसमें सीड हब का एक बहुत बड़ा रोल रहा। उसमें भी हमारे 97 जैसे कृषि विज्ञान केंद्रों ने 40,000 टन जैसा बीज का निर्माण करने का काम किया है। ये बहुत ही बधाई का काम है, और कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए और जिन कृषि विज्ञान केंद्रों ने इसमें हिस्सा लिया उनको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं तो मानता हूं कि हर प्रदेश में जिन बीजों की आवश्यकता है वो बीज उसी कृषि विज्ञान केंद्र में पैदा हो, ऐसी कोई रचना अगर हम कर सके तो ये कृषि विज्ञान केंद्र के लिए भी बहुत उपकारक होगी, हमारे सबके लिए भी एक नया मापदंड बनने की संभावना है। हमारा साइंटिस्टों के प्रयासों की वजह से बासमती का जो दबदबा दुनिया में है और उसमें जो बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो ऐसी किस्मों का संशोधन करने वाले सभी वैज्ञानिकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि आपके संशोधन की वजह से दुनिया में भारत के चावल की, भारत के बासमती चावल का जो डंका बज रहा है, ऐसे और किस्मों में भी हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे साइंटिस्टों के सामने लक्ष्य है, यही एक उम्मीद है। महापात्रा जी, मेरे मन में एक दो चीजें ऐसे ही घूमती रहती है। एक तो प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि वो हमारा बाजरा जो है जाफराबाद का, उसके बाजरे की क्वालिटेटिव यदि रिसर्च की जाए और वो किस चीज के लिए उसकी क्वालिटी अलग और चीजों से पड़ती है और मिलेट से पड़ती है, तो इनका यदि ऑथेंटिक कुछ हम कर सकेंगे तो ये एक है। मगर ऐसी हमारे प्रांत की जो भी वैरायटी है, कुछ प्रांत में कुछ ऐसी चीजें हैं, तो इन सबको एक बार आइडेंटिफाई करके उसको ऑथेंटिक इसके गुणों को हम प्रस्थापित करें और फिर उसका मार्केटिंग करने में उसकी मदद करेंगे, तो जो हमारे कुपोषण की लड़ाई हमारे देश में लड़ी जा रही है उसमें हमारा बहुत बड़ा अच्छा योगदान रहेगा। एक छोटी सी चीज ये भी मेरे संज्ञान में आती है, जो हमारे तीन इनपुट्स हैं महत्व के, तोमर साहब, एक हमारे पेस्टिसाइड, एक हमारे सीड्स और एक फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर का तो एक बहुत बड़ा महकमा अलग से है और उसी में ज्यादा हमें करने की वैसे आवश्यकता आईसीआर की दृष्टि से मैं नहीं मानता हूं, मगर अब नई भूमिका आ रही है जो हमारा नैनो टेक्नोलॉजी के दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जैसे तीन बिंदु पे इफको ने काम किए हैं, तो और बिंदु जो भी बाकी हैं और तत्व जो बाकी हैं उसमें क्या आईसीआर लीड ले सकता है, और लेकर उसको भी हम सारे जितने पोषक तत्व की आवश्यकता है उन सभी को नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एग्रीकल्चर में करने का लक्ष्य ये हमारे सामने होना चाहिए। सीड के बारे में और पेस्टिसाइड्स के बारे में, खास करके पेस्टिसाइड्स में भी मैं तो कब से लगा हूं कि ये वो अपना जैसे मेडिकल में हो गया है वो हमारे इस एग्रीकल्चर में भी लागू हो, तो हमारे कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। जैसे कि ये टीडी एक हमारी इतनी बड़ी समस्या है और 2 साल से हम इसका बहुत ही संघर्षपूर्ण सामना कर रहे हैं और आगे दिनों में इसका सामना और करना पड़ेगा ऐसा अभी लग रहा, तो क्या इसमें भी ये भी वही दवा अपनी है जो 30 साल पहले की ही है,
तो क्या इसमें कोई नया हमारे सामने नया आविष्करण करने की उसमें गुंजाइश है? तो इस दिशा में साधन की दृष्टि से और दवाई की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से ऐसे इश्यू को हमारे साइंटिस्ट एड्रेस करेंगे तो जरूर हमको उसके संचालकों को मैं तहे दिल से बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं, और जिनको पुरस्कार नहीं मिला है उन लोगों को आने वाले समय में वो मेहनत करके फिर आने वाले समय में पुरस्कार के काबिल होंगे, ऐसी शुभकामना के साथ फिर से महापात्रा जी और उनकी टीम को बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और हम सभी जानते हैं कि परिषद द्वारा कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने हेतु निरंतर कार्य किया जाता है और इसी कड़ी में कई उत्पाद तकनीक और पुस्तकें तैयार की जाती हैं और उन्हीं का लोकार्पण और पुस्तकों का विमोचन करने के लिए मैं माननीय अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगी। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में सबसे पहले जो जिसका लोकार्पण किया जा रहा है, बता दें आपको, यह है 2019-20 में जन्मे क्लोन्ड काव्स जिनको तैयार किया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज हिसार द्वारा। और उम्मीद है कि भैंसों की नस्ल सुधार के लिए ये जो कदम है ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें हम कि आज के कार्यक्रम में 8 उत्पादों का भी लोकार्पण किया जा रहा है जिनमें है ईट्राइट मिलेट प्रोडक्ट्स, विटामिन डी रिच मशरूम मिलेट कुकीज बाय IIMR GMR सोलन जॉइंटली, मेटानाइजियम, एनिसोफिली फॉर मैनेजमेंट ऑफ वाइट ग्रब्स एंड शुगरकेन, रेसिलियस हिरनजेनियसिस फॉर मैनेजमेंट ऑफ लेपिडोप्टेरा टेस्ट बाय NPAIR कंक्लूड। इसके साथ ही CIAE भोपाल द्वारा आर्जेनिक थर्मल इमेजर फॉर वाटर स्ट्रेस असेसमेंट एंड चीज क्रॉप्स, केमिकल प्री प्रोसेस टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेसिन, इंफ्रारेड सीड ट्रीटमेंट सिस्टम फॉर पल्स मिलेट, मुंबई द्वारा इनोवेटिव लाइजाइमर फॉर ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, कॉटन इंटरलाइन स्लीपिंग बैग फॉर बेटर वाटर। आप पकड़ी पकड़ी जाओ, आप एक मिनट बिल्कुल। 8 उत्पाद हैं जिनका लोकार्पण हमारे माननीय अतिथियों द्वारा आज के इस शुभ अवसर पर किया जा रहा है। इसके साथ ही 5 डायग्नोस्टिक किट्स भी विकसित की गई हैं जिनमें है IARI न्यू दिल्ली द्वारा चिली लीफ कॉल वायरस डिटेक्शन किट और टोमेटो लीफ कॉल न्यू दिल्ली वायरस इजी डिटेक्शन PCR किट। इसके साथ ही IBRI इज्जतनगर द्वारा हाईली सेंसिटिव लॉकिंग एलिसा फॉर डिटेक्शन ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज फॉर मल्टी स्पीशीज, NIHSAA भोपाल द्वारा मल्टीप्लेक्स रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR फॉर एवियन इन्फ्लुएंजा, और इसके साथ ही NIDEGI बंगलुरु द्वारा सेलिजा टेस्ट फॉर असेसमेंट ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट क्लासिकल स्वाइन फीवर। ये 5 डायग्नोस्टिक किट्स हैं परिषद द्वारा विकसित की गई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें लास्ट 10 प्रकाशनों का भी विमोचन आज किया जा रहा है जिनमें है NIAT न्यू दिल्ली द्वारा इम्पैक्ट ऑफ ICAR रिसर्च, ICAR न्यू दिल्ली द्वारा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ जेयर ICAR 2019-20 हिंदी और इंग्लिश भाषा में, ICRI टेक्नोलॉजीज वैक्सीन फॉर लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री डेयर ICR ग्लोबल रीच, ये तीनों ही पुस्तकें ICR न्यू दिल्ली द्वारा तैयार की गई हैं। इनोवेटिव एग्री सॉल्यूशंस ड्यूरिंग COVID-19 बाय डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ICAR, क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर इंपैक्ट्स क्रॉपिंग स्ट्रेटजीज प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी बाय NAARM हैदराबाद, मशरूम्स फॉर न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंट बाय IIHR बंगलुरु, एंटरप्रेन्योरशिप इन लीची बेवरेजेस बाय NRC ऑन लीची मुजफ्फरपुर बिहार, और लैंडस्केप फॉर हायर एग्रीकल्चरल एजुकेशन इन इंडिया बाय ICAR न्यू दिल्ली। और इसके साथ ही आपको बता दें राजभाषा आलोक 2019 हिंदी पत्रिका का भी आज विमोचन किया जा रहा है, और खास बात यह है कि वर्ष 1998 से लगातार परिषद द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन नियमित रूप से किया जा रहा है।
इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। रिलीज के बाद अब बारी आती है पुरस्कार वितरण समारोह की, यानी कि अवार्ड्स की। तो ऐसे में मैं गुजारिश करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय से कि वे अवार्ड्स की घोषणा करें। उपस्थित सज्जनों, मुझे जानकर अति प्रसन्नता, मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रतिवर्ष संस्थानों, वैज्ञानिकों, अध्यापकों, किसानों और कृषि से जुड़े पत्रकारों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कृत करती आई है और आज भी यह अवसर हम सब लोगों के सामने है। मुझे जानकर संतोष है कि आज 92वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 20 विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 161 पुरस्कार विजेताओं को उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान कर रही है। इनमें 3 संस्थान, 2 AICRP, 14 KBK, 97 वैज्ञानिक, 30 किसान, 6 पत्रकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों के 9 स्टाफ सदस्य सम्मिलित हैं। पुरस्कार विजेताओं में 19 महिलाएं भी हैं, यह हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। इसके अतिरिक्त राजभाषा पुरस्कार भी पुरस्कार विजेता संस्थानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं की सेवाओं की, प्रयासों की सराहना करता हूं। इस अवसर पर उन्हें बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं तथा विभिन्न श्रेणियों के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पुरस्कार प्रदान करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पुरस्कार विजेताओं के नाम और उनके योगदान के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें। धन्यवाद मंत्री महोदय। तो आइए शुरुआत करते हैं पुरस्कार वितरण समारोह की। और आपको बता दें, सबसे पहला अवार्ड जो है वो है सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूशन अवार्ड 2019। और बड़े संस्थानों में अवार्ड दिया जाता है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची केरला को। वहीं छोटे संस्थानों में सम्मानित किया जाता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई। और विश्वविद्यालयों में सम्मानित की जा रही है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड। इन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आगे। अगला अवार्ड है चौधरी देवी लाल आउटस्टैंडिंग ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट अवार्ड 2019। और ये संयुक्त रूप से दिया जा रहा है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सोरगम हैदराबाद और ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज लुधियाना। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अगला अवार्ड जो है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार 2019। कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका बहुत ही खास रहती है कृषि क्षेत्र में और ऐसे में उन्हें सम्मानित करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो राष्ट्र स्तर पर संयुक्त रूप से सम्मानित किए जा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दतिया मध्य प्रदेश और कृषि विज्ञान केंद्र वेंकटरमनपुरम आंध्र प्रदेश। और ऐसा ही नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ क्षेत्र स्तर पर भी पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं और 11 जोन है जिसमें अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्रों को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। बता दें आपको, जोन 1 में केवीके अमृतसर पंजाब और केवीके लिंग 2 लद्दाख को सम्मानित किया जा रहा है। और इसके साथ ही केवीके पाली मारवाड़ राजस्थान, केवीके बस्ती उत्तर प्रदेश, केवीके गुमला झारखंड, केवीके कल्याण पश्चिम बंगाल, केवीके नामसाई अरुणाचल प्रदेश, केवीके इम्फाल ईस्ट मणिपुर, केवीके बीरवान महाराष्ट्र, केवीके उज्जैन मध्य प्रदेश, केवीके वायरा तेलंगाना और केवीके बागलकोटे कर्नाटक को पुरस्कृत किया जा रहा है। इन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और कृषि के क्षेत्र की बात हो, हमारे किसानों की
सहयोग की बात हो तो उन्हें जागरूक करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए परिषद निरंतर अग्रसर रहता है। और इसी दिशा में हमारा अगला अवार्ड है एनजी रंगा फार्मर अवार्ड फॉर डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर 2019, और इससे सम्मानित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के गांव समथल के श्री रघुपत सिंह जी को, और उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और साथ ही हमारी सरकार का भी लक्ष्य है कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सके, किसान भी इससे जुड़ रहे हैं, और इसी दिशा में परिषद द्वारा भी नवाजा जा रहा है हरदार ऑर्गेनिक फार्मर अवार्ड 2019 से किसानों को। तो आपको बता दें ये है श्रीमती सारिका पाटीदार बोरलाई डिस्ट्रिक्ट बरवानी मध्य प्रदेश, और श्री सुरेंद्र अवाना घेराना डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान। इन दोनों को ही जैविक खेती की दृष्टि से अच्छा कार्य करने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, अगला अवार्ड है जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार, और इसमें राष्ट्र स्तर पर पुरस्कृत किया जा रहा है अमृतसर पंजाब के मेजर मनमोहन सिंह वारका जी को। और राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ क्षेत्रीय स्तर पर भी अलग अलग 11 जोन में किसानों को पुरस्कृत किया जा रहा है, जिसमें बता दें आपको शामिल है श्रीमती वाई डॉलमा लिंगा दास जी, श्री जे सी प्रजापत चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, श्री वी शुक्ला बांदा उत्तर प्रदेश, श्री एस पी साहनी सिवान बिहार, डॉक्टर आर एस सिंह मुजफ्फरपुर बिहार, श्री एस साहू बारगढ़ ओडिशा, श्री बी हलोई नालबारी असम, श्री एन देवनाथ लेपंगा त्रिपुरा वेस्ट त्रिपुरा, श्री बी जी भागे सतारी गोवा, श्रीमती बी वी रुद्राक्षा बीर महाराष्ट्र, श्री विशाल काटरे बालाघाट मध्य प्रदेश, श्रीमती आर लक्ष्मी करीम नगर तेलंगाना, और जोन 11 में संयुक्त रूप से सम्मानित किए जा रही हैं डॉक्टर माफ कीजिएगा श्री एस सी हिमैया कोडागु कर्नाटका, श्री टी पुरुषोत्तम कन्नौर केरला। इन सभी किसान भाइयों बहनों को हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। और हमारे किसान भाई केवल पारंपरिक खेती ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि कृषि के क्षेत्र में नए नए आयाम भी हासिल कर रहे हैं, और ऐसा ही एक पुरस्कार ऐसे हमारे जाबाज किसान लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें शामिल है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2019, और ये दिया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त मधुमक्खी पालक श्री नरेंद्र सिंह मोगा पंजाब से है। इनका मधुमक्खी के पालन के क्षेत्र में अनूठा योगदान है। इसी के साथ साथ क्षेत्रीय स्तर पर भी अलग अलग 11 जोन में हमारे किसानों को नवाजा जा रहा है। जोन 1 में संयुक्त रूप से सम्मानित की जा रही है श्री चंपर सिंह मोगा पंजाब से, श्री करण सिंह सोलन हिमाचल प्रदेश से, वहीं श्री कुलवीर सिंह कुरुक्षेत्र हरियाणा से सम्मानित की जा रही है, श्री ए आर वर्मा बस्ती उत्तर प्रदेश, श्री जी अराउंड रांची बिहार, श्री चंदन रे कूच बिहार पश्चिम बंगाल, श्री बीजू कलिता नलबारी असम, श्री ए लोथा हमसो बोखार नागालैंड, श्री टी जी वारे पुणे महाराष्ट्र, श्री श्री जे रहंगदाल बालाघाट मध्य प्रदेश, श्रीमती टी रमन्ना वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, श्री एस वी राजापुरे बेलगावी कर्नाटका। ये सभी किसान भाई बहन अपने अतुलनीय अमूल्य योगदान के लिए नवाजे जा रहे हैं। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, और अब हमारा अगला अवार्ड है चौधरी चरण सिंह अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन जर्नलिज्म इन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट 2019। हमारे वैज्ञानिक जो भी शोध कार्य करते हैं उनकी जानकारियां कहीं ना कहीं हमारे किसानों तक पहुंचाने में हमारे पत्रकारों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसीलिए परिषद द्वारा उन्हें हर वर्ष नवाजा भी जाता है। और इस बार भी 6 पत्रकार नवाजे जा रहे हैं पुरस्कार से। बता देते हैं आपको, प्रिंट मीडिया में अंग्रेजी भाषा में श्री गुरप्रीत सिंह निब्बर असोसिएट एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, प्रिंट मीडिया हिंदी लैंग्वेज में श्री बृहस्पति कुमार पांडे जर्नलिस्ट फार्म एंड फूड, श्री अमित नेनी हरिकृष्ण एग्जीक्यूटिव एडिटर अन्नदाता तेलुगु भाषा में, मराठी भाषा में श्री विनोद देवनदियो इंगोले जर्नलिस्ट एग्रोवन, और वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नवाजे जा रहे हैं श्री शिव नंदन लाल ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली, और श्री उमा शंकर डिजिटल मार्केटिंग में नवाजे जा रहे हैं, और इन पत्रकारों को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। साथ ही बढ़ते हैं आगे, बात हो परिषद की तो वैज्ञानिकों के योगदान को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और वैज्ञानिकों की सराहना के लिए उन्हें और प्रोत्साहित करने के लिए हमारा अगला अवार्ड है रवि अहमद पिदवई अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन एग्रीकल्चरल साइंस 2019, और इसमें अलग अलग कैटेगरीज में पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर साइंसेज कैटेगरी में डॉक्टर राजीव के वर्ष ने एक रिसेट हैदराबाद, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में संयुक्त रूप से डॉक्टर सी
श्रीनिवासा राव एन ए आर एम हैदराबाद, डॉक्टर ए चिन्नस्वामी डायरेक्टर आईआईएफटीजी तमिलनाडु। वहीं एनिमल एंड फिशरी साइंसेज में संयुक्त रूप से नवाजे जा रहे हैं डॉक्टर राघवेंद्र भट्टा एन आई ए एन डी बंगलुरु कर्नाटक, डॉक्टर किशोर कुमार कृष्णानी सी आई एफ ए मुंबई महाराष्ट्र। सोशल साइंसेज कैटेगरी में नवाजे जा रहे हैं डॉक्टर सुरेश पाल डायरेक्टर एन आई ए ई पी आर न्यू दिल्ली। बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे इन सभी हमारे वैज्ञानिकों को उनके शोध कार्यों के लिए। बढ़ते हैं आगे और युवाओं को हम बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ सकते हैं और इसी के लिए अगला अवार्ड है लाल बहादुर शास्त्री आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019। इसमें नवाजे जा रहे हैं क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर साइंसेज कैटेगरी में डॉक्टर जगदीश कुमार तिवारी सीनियर साइंटिस्ट क्रॉप इंप्रूवमेंट आईसीएआर सीपीआरआई शिमला हिमाचल प्रदेश। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डॉक्टर मोहम्मद शाहिद एनआरआरआई कटक ओडिशा। एनिमल एंड फिशरी साइंसेज में डॉक्टर नीरज कुमार नायसम बारामती महाराष्ट्र। और सोशल साइंसेज कैटेगरी में डॉक्टर मीर आसिफ इकबाल आईएएसआरआई न्यू दिल्ली। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आगे और कहते हैं ना महिलाएं पुरुषों से कहीं भी कम नहीं आती जा सकती, इसी के लिए है हमारा अगला अवार्ड पंजाब राव देशमुख आउटस्टैंडिंग विमेन साइंटिस्ट अवार्ड 2019। और इससे नवाजी जा रही है डॉक्टर रश्मि अग्रवाल डीन एंड जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन आईएआरआई न्यू दिल्ली। और संयुक्त रूप से पुरस्कार वितरित किया जा रहा है डॉक्टर पी वी देवराजन आईसीटी मुंबई, डॉक्टर अर्चना सचदेव प्रोफेसर डिविजन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आईएआरआई। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और कहते हैं ना गुरुओं के बिना जीवन में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, इसलिए गुरुओं का सम्मान करना तो बेहद जरूरी हो ही जाता है। हमारा अगला अवार्ड इसी के लिए है भारत रत्न डॉक्टर सी सुब्रमण्यन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग टीचर्स 2019। और इसमें क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर साइंसेज कैटेगरी में संयुक्त रूप से पुरस्कृत किए जा रहे हैं डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव आईआईआर न्यू दिल्ली और डॉक्टर एन के हेगड़े सिरसी कर्नाटक। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में डॉक्टर टी के दास आईएआरआई न्यू दिल्ली। और एनिमल एंड फिशरी साइंसेस में डॉक्टर राजन शर्मा एनडीआरआई करनाल हरियाणा। वहीं सोशल साइंसेस कैटेगरी में सम्मानित किए जा रहे हैं डॉक्टर ए आर राव आईएएसआरआई न्यू दिल्ली, डॉक्टर आर एम पटारिया आईआरआई न्यू दिल्ली। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बढ़ते हैं आगे, अगला अवार्ड है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर पीजी आउटस्टैंडिंग डॉक्टोरल थीसिस रिसर्च इन एग्रीकल्चरल एंड एलाइड साइंसेज 2019। और ये अवार्ड भी अलग अलग कैटेगरीज में दिया जा रहा है। बता दें आपको क्रॉप साइंसेज कैटेगरी में नवाजे जा रही है डॉक्टर अमित कुमार आर सी नेह मेघालय, डॉक्टर विद्यासागर आई आई बी आर वाराणसी। एनिमल साइंसेज कैटेगरी में डॉक्टर जेस वर्गिस के वी एस एस यू केरला, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भट्ट एन डी आर आई करनाल। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कैटेगरी में डॉक्टर टी एन सुधाकर राव आई आई एन आर जी रांची झारखंड, डॉक्टर सुमित पाल आई आर आई न्यू दिल्ली। क्रॉप प्रोटेक्शन में डॉक्टर विनोद कुमार सेल्वराज तमिलनाडु, डॉक्टर टी आर रेस्मी केरला। फिशरीज डिपार्टमेंट में डॉक्टर एन सी थलकप्पन केरला, डॉक्टर सेल्सा जे चक्कलाकल केरला। हॉर्टिकल्चर कैटेगरी में डॉक्टर चवलेश कुमार आईआरआई न्यू दिल्ली, डॉक्टर एनडी भुटिया सीएयू पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। और वहीं बात करें हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कैटेगरी की, तो इसमें पुरस्कार दिया जा रहा है डॉक्टर ए के भारीमला मुंबई, डॉक्टर संदीप मंडल भोपाल मध्य प्रदेश। सोशल साइंसेज कैटेगरी में डॉक्टर अनिर्बन मुखर्जी पटना विहार, डॉक्टर श्रुति डीएमआर हिमाचल प्रदेश। और बायोटेक्नोलॉजी कैटेगरी में डॉक्टर एल एस कुजूर इक्रीसेट हैदराबाद, डॉक्टर एच डी कोटन भाई जे ए यू जूनागढ़ गुजरात सम्मानित की जा रही हैं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे इनकी उपलब्धियों के लिए। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला अवार्ड है बसंत राव नायक अवार्ड फॉर रिसर्च एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर 2019। और ये अवार्ड पूरी टीम को दिया जा रहा है। ये टीम है सुरेश पाल सिंह तंवर जी की और इनके चार एसोसिएट्स हैं। डॉक्टर सुरेश पाल सिंह तंवर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं आईसीएआर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कातरी जोधपुर में। और ये पूरी टीम नवाजी जा रही है। और इसके साथ बढ़ते हैं आगे और बता दें आपको कि
अगला अवार्ड जो है वो है फखरुद्दीन अली अहमद अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन ट्राइबल फार्मिंग सिस्टम्स 2019 और इसमें भी चार टीमों को अवार्ड दिया जा रहा है, सारे एसोसिएट्स जुड़े हुए हैं जिनके टीम लीडर्स के नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। पुरस्कृत किए जा रहे हैं डॉक्टर पी राजीव IISR कोझिकोड केरला, डॉक्टर लोकमुद्रा साहू RC नेही त्रिपुरा, डॉक्टर आदिकांत प्रधान IGKV जगदलपुर बस्तर, डॉक्टर अनुराग सक्सेना काजरी रीजनल रिसर्च स्टेशन लेह लद्दाख। इन सभी टीम लीडर्स और इनके एसोसिएट्स को पुरस्कार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आगे, अगला अवार्ड है स्वामी सहजानंद सरस्वती आउटस्टैंडिंग एक्सटेंशन साइंटिस्ट अवार्ड और इसे नवाजे जा रहे हैं डॉक्टर MA अंसारी साइंटिस्ट RC नेही मणिपुर और संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया जा रहा है डॉक्टर BS सोनटाकी MAARM राजेंद्र नगर हैदराबाद, डॉक्टर GS यादव RC नेही रीजन त्रिपुरा सेंटर। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पुरस्कार की। बढ़ते हैं आगे, अगला अवार्ड है NACICAR अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च ऑन फार्म इंप्लीमेंट्स 2019 और इसे प्रदान किया जा रहा है डॉक्टर देवव्रत सिंह को। ये है प्रिंसिपल साइंटिस्ट ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंदौर मध्य प्रदेश। तो ये तो हो गए हमारे वैज्ञानिकों के अवार्ड। बढ़ते हैं आगे, अब आ जाता है हिंदी भाषी पुस्तकों के अवार्ड के बारे में और ये अवार्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार फॉर टेक्निकल बुक्स इन हिंदी एंड एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज 2019 और इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। प्रॉपर हॉर्टिकल्चर साइंसेज कैटेगरी में नवाजे जा रहे हैं डॉक्टर DR भारद्वाज IIBR वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डॉक्टर UK बेहरा मेघालय और उनकी पूरी टीम। एनिमल एंड फिशरीज साइंसेज में डॉक्टर NM मार्कंडे परभनी महाराष्ट्र और उनकी पूरी टीम को नवाजा जा रहा है और साथ ही सोशल साइंसेज में पुरस्कार दिया जा रहा है डॉक्टर रेखा सिंह IIBR वाराणसी उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं आगे, अगला अवार्ड है नानाजी देशमुख ICAR अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरडिसिप्लिनरी टीम रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज 2019। हमारे वैज्ञानिक कृषिनगर में बदलाव लाने के लिए रिसर्च करते रहते हैं और ऐसा ही अवार्ड दिया जा रहा है एनिमल साइंसेज एंड फिशरीज कैटेगरी में डॉक्टर PS यादव को, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं CIRB हिसार हरियाणा और उनके चार एसोसिएट्स को और आज इन्हीं के द्वारा तैयार किए गए क्लोन्ड काव्स को रिलीज भी किया गया है हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर यादव को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। बढ़ते हैं आगे, अगली कैटेगरी है सोशल साइंसेज की जिसमें नवाजा जा रहा है डॉक्टर राजवीर सिंह को, जो डायरेक्टर हैं अटारी जोन 1 PAU कैंपस लुधियाना और उनकी 21 एसोसिएट्स की टीम को। डॉक्टर राजवीर और उनकी टीम ने पराली प्रबंधन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और पूरे पंजाब में पराली को न जलाकर खेतों में ही उसका प्रबंधन करने के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। डॉक्टर राजवीर और उनकी टीम को भी हम हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। अब बढ़ते हैं आगे, बारी आती है कैश अवार्ड स्कीम 2019 की जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी में 3 अवार्ड किए जा रहे हैं जिनमें है श्री राजीव लाल बैरकपुर, श्रीमती N विजयलक्ष्मी NAARM हैदराबाद, श्री टी के नायक गुवाहाटी और वहीं टेक्निकल कैटेगरी में 4 लोगों को नवाजा जा रहा है जिनमें है डॉक्टर शिवा कुमार टी केरला, डॉक्टर उत्तम कुमार NDRI करनाल, डॉक्टर मोनिका जोड़ी IARI न्यू दिल्ली, डॉक्टर अश्विन त्रिवेदी GMATR आनंद। वहीं बात करें सपोर्टिंग कैटेगरी की तो इसमें भी 3 अवार्ड दिए जा रहे हैं जिसमें है श्री गुरु दत्ता शर्मा हिसार, श्री SN रसूल हैदराबाद, श्री ब्रजेंद्र कुमार NDRI करनाल। बढ़ते हैं आगे, अब बारी आती है राजश्री टंडन राजभाषा पुरस्कार 2018-19 और इसमें बड़े संस्थानों में प्रथम पुरस्कार जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को और वहीं द्वितीय पुरस्कार जाता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला को। बात करेंगे क और ख क्षेत्र के छोटे संस्थानों की तो प्रथम पुरस्कार जाता है राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान संसाधन ब्यूरो लखनऊ, द्वितीय पुरस्कार जाता है कुंभ अनुसंधान निदेशालय सोलन को और गौ क्षेत्र में स्थित संस्थानों में प्रथम पुरस्कार जाता है केंद्रीय मात्स्यकीय प्रौद्योगिकी संस्थान कोशी और द्वितीय पुरस्कार जाता है गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। और अब बारी आती है हमारे अंतिम यानी कि आखिरी
पुरस्कार की जो है गणेश शंकर विद्यार्थी हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2018-19। बता रहे आपको क और ख क्षेत्र के संस्थानों में प्रथम स्थान हासिल किया है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर की मरु बागवानी पत्रिका ने। वहीं द्वितीय स्थान हासिल किया है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल की दुग्ध गंगा पत्रिका ने। और तृतीय स्थान मिला है केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना की प्रसंस्करण प्रगति पत्रिका ने। और वहीं बात करें हम ग क्षेत्र की तो बता दें प्रथम स्थान मिला है केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर नीलतिमा पत्रिका को। द्वितीय स्थान मिला है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक धान पत्रिका को। और तृतीय पुरस्कार से नवाजा जा रहा है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलुरु बागवानी पत्रिका को। और इन सभी पुरस्कार विजेताओं को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, गुजारिश करेंगे एक बार सभी आप लोग तालियों से। इसके साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय से कि वे परिषद की बागवानी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर सभी को संबोधित करें। भारत सरकार के राज्य मंत्री माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, हमारे दूसरे राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, सचिव कृषि श्रीमान संजय अग्रवाल जी, महानिदेशक परिषद डॉक्टर महापात्रा जी, श्रीमान संजय जी, श्रीमान प्रधान जी, इस अवसर पर इस कार्यक्रम से जुड़े कृषि विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतिगण और संस्थान के स्थान स्थान पर कार्यक्रम से जुड़े सभी हमारे वैज्ञानिक गण, प्राध्यापक गण और ICR परिवार के सभी सदस्य महानुभाव, आज हम सबके लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि हमारी संस्कृति में किसी भी व्यक्ति या संस्था के जन्मदिन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यक्ति का जन्मदिन जब आता है तो उसके कुल जीवन में एक बरस जन्मदिन पर और कम हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सांस्कृतिक परंपराएं ऐसी हैं कि जानते हुए भी कि आयु में से एक वर्ष कम हो रहा है, फिर भी हम उसको उल्लास के साथ मनाते हैं। और जब संस्था का जीवन में जन्मदिन आता है तो उसके जीवन में एक वर्ष और आगे बढ़ता है। और इसी प्रकार से अनुसंधान परिषद ने अपने 9 दशक पूरे किए। किसी भी संस्था के जीवन के 9 दशक सफलतापूर्वक गुजरे, यह मैं समझता हूं उस संस्था के जीवन के लिए भी और भारत सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और इसलिए 92 जन्मदिन के अवसर पर हम सब लोग इस समारोह में उपस्थित हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अनुसंधान परिषद के परिवार के सभी सदस्यों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर प्रतिवर्ष यह परंपरा है कि अनुसंधान परिषद अपने परिवार के, अपने कार्यक्षेत्र के विभिन्न श्रेणियों के 161 महानुभावों को पुरस्कृत करने का काम करती है। और आज भी हम सबने देखा कि देश भर में अच्छी सेवाएं देने वाले हमारे महानुभावों को पुरस्कार प्रदान किया गया।
यह पुरस्कार उनकी अच्छी सेवाओं के लिए है और मुझे लगता है कि जो लोग आज पुरस्कृत हुए हैं वे तो प्रोत्साहित होंगे ही, लेकिन जो लोग इस बार पुरस्कृत नहीं हो पाए उनको भी इसलिए उत्साहित होना चाहिए कि जो कसर इस बार रह गई अगले वर्ष के काम में वो कसर नहीं रहेगी और अगले बार जब स्थापना दिवस का कार्यक्रम होगा तो ऐसे तमाम सारे महानुभाव जो इंतजार में हैं उनको भी पुरस्कार मिलेगा। इस अवसर पर सभी विजेताओं को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और वो समय भी हम सबके ध्यान में है जब कृषि का क्षेत्र बढ़ते हुए समय के साथ एक तौर से अविकसित था। उस समय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस चुनौती को स्वीकार किया, हमारे वैज्ञानिकों ने नए नए अनुसंधान किए, उन अनुसंधानों को किसानों के पास गांव में पहुंचाने का एक सफलतम प्रयत्न किया, किसानों ने भी घनघोर परिश्रम किया यह जानते हुए भी कि वो जो काम कर रहे हैं वो घाटे का काम है, लेकिन फिर भी नई सारी पद्धतियों का क्रियान्वयन खेत में हो इस मामले में जो किसान का योगदान है वो अविस्मरणीय है। वैज्ञानिकों का अनुसंधान और किसानों का परिश्रम इसी का परिणाम है कि आज भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं अधिशेष राष्ट्र है और आज हम सब यह अनुभव कर रहे हैं कि जब कोरोना वायरस के संकट से सारी दुनिया गुजर रही है, लॉकडाउन की स्थिति में भी तमाम असुविधाओं का सामना देश और दुनिया को करना पड़ा है, बहुत सारे साधन और बहुत सारी टेक्नोलॉजी से लैस तमाम सारे संस्थान हैं जिनकी गतिविधियां पूरी तरह बंद हो गई थी, लेकिन कृषि का क्षेत्र ऐसी अवस्था में भी संचालित रहा। यह भारतवर्ष के लिए एक उपलब्धि भी है और इसके लिए निश्चित रूप से किसान भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने असुविधाओं का भी सामना किया लेकिन विकल्प को खोजा, पैदावार को बिल्कुल भी क्षति नहीं होने दी और भारत सरकार ने भी ध्यान दिया जिसके कारण उनके लिए जो आवश्यक उपलब्धताएं थी वो उपलब्ध रही और बंपर पैदावार हुई, समर्थन मूल्य पर खरीद का भी रिकॉर्ड बना। इसके लिए निश्चित रूप से सभी किसान बधाई के पात्र हैं। इसी का परिणाम है कि वायरस के इस संकट के दौर में 7-8 महीने तक लगातार देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अगर सरकार खाद्यान्न उपलब्ध कराए यह अपने आप में एक हिस्ट्री है। कुछ और जगह भी सरकारों ने अपने नागरिकों के लिए कुछ सुविधाएं देने का काम किया होगा, लेकिन हम बड़ी आबादी वाले देश हैं और बड़ी आबादी वाले देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराना यह हैसियत भारत के ही पास है और इस हैसियत में आज हम हैं
तो इसका श्रेय निश्चित रूप से किसानों को और हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों को दिया जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात पर बल देते रहते हैं कि हमारी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, चाहे वो विषय ग्रामीण विकास से संबंधित हो और चाहे वो विषय कृषि की प्रगति से संबंधित हो। और आपने गत 5 वर्षों में अनुभव किया होगा कृषि के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकें, इस दिशा में सरकार की सोच भिन्न भिन्न कार्यक्रम और बजटों के दौरान प्रदर्शित हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में भी अधोसंरचना बढ़े और ग्रामीण क्षेत्र के जनजीवन में सुधार आए और जो मौलिक सुविधाएं देश में संपन्न घरों में होती हैं वो मौलिक सुविधाएं भी गांव के गरीब आदमी के घर में पहुंचे, इस दृष्टि से अभियान भी चलाए गए, मिशन मोड पर काम भी किया गया और उसका परिणाम भी आज हम सब लोगों को निश्चित रूप से परिलक्षित हो रहा है। और इसीलिए आपने देखा कि लंबे समय से ये अनुभव किया जा रहा था कि कृषि के क्षेत्र में कुछ नए रिफॉर्म होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बल मिलना चाहिए, उसको कानूनी जामा पहनाना चाहिए। तो पिछले दिनों ट्रेड के लिए जो अध्यादेश आया उसके कारण निश्चित रूप से किसानों को संपूर्ण आजादी प्राप्त हो गई। यह प्रधानमंत्री जी का साहसपूर्ण कदम है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी कानून बन जाए, यह चर्चा देश में बहुत लंबे समय से विद्यमान थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, चाहे ये मूल्य आश्वासन और किसान सशक्तिकरण अध्यादेश का विषय हो, चाहे आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का विषय हो, ये सारे के सारे रिफॉर्म किए। इन रिफॉर्म का फायदा किसानी के क्षेत्र को निश्चित रूप से आने वाले कल में मिलने वाला है। ये रिफॉर्म जब होते हैं तो निश्चित रूप से नोडल मिनिस्ट्री कृषि मंत्रालय होता है, कानून बनता है तो लॉ मिनिस्ट्री उसमें सहायता करती है, निर्णय मंत्रिपरिषद को लेना होता है, कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। लेकिन जो नया कानून बन रहा है उस कानून का फायदा किसान को कैसे मिलेगा और इसमें आईसीआर की क्या भूमिका हो सकती है, यह भूमिका कार्यक्रम के माध्यम से आईसीआर को दी जाए, केबीके को दी जाए, यूनिवर्सिटी को दी जाए, यह आवश्यक नहीं है। जैसे ही नया रिफॉर्म होता है उसमें हमारी भूमिका कैसे जुड़ सकती है और हम उस भूमिका का कैसे निर्वाह कर सकते हैं, उस कानून की सफलता में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, यह निश्चित रूप से हम सब लोगों के विचार का विषय हमेशा रहना चाहिए। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विषय है तो हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि जो लोग आयात निर्यात के क्षेत्र में काम करते हैं या जो लोग बड़े ट्रेडर्स हैं उनके पास संसाधन भी है, उनके पास रिसर्च के लिए भी व्यक्ति है, उनके पास बड़ा स्टाफ भी है, तो वो अपने धंधे की दृष्टि से स्थान को खोज लेते हैं और किसान तक पहुंच के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहित करते रहते हैं। लेकिन अगर आज अधिनियम भारत सरकार लाई है तो इसके पीछे उस ट्रेडर का फायदा हो, इसमें आपत्ति हमें नहीं है, उस ट्रेडर का फायदा होना ही चाहिए क्योंकि उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो गांव में बैठा हुआ गरीब और छोटा किसान है उस तक इस ट्रेडर की पहुंच कैसे बन सकती है, किस क्षेत्र में
किस फसल के क्लस्टर खड़े किए जा सकते हैं, इसकी पहचान, इसका अनुसंधान और इसका जुड़ाव। मैं जो गैप आज दिखाई देता है उस गैप को आईसीएआर केबी के माध्यम से भर सकती है क्या? तो इस दिशा में हमें आज सोचने की और विचार करने की आवश्यकता है। विगत दिनों में जो कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रगति की है उसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कमी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अभी हमें और काम करना शेष है। जब हम दुनिया से अपने को प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो हमको अपने खेती का उत्पादन भी बढ़ाना होगा, उत्पादकता भी बढ़ाना होगी, लागत भी कम करना होगी। सामान्यतः जो वर्तमान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हैं उसमें भी हम सब लोगों को प्रतिस्पर्धा करनी होगी। तो हम दुनिया के साथ कंपीट कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में भी खेती आगे बढ़े इसमें अनुसंधान परिषद की ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आपसे बड़ा मार्गदर्शन का केंद्र खेती के लिए भारत में तो कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन हम सबकी कल्पना और हम सबका जज्बा स्थापना दिवस के अवसर पर यह भी होना चाहिए कि आज हमारे अनुसंधान परिषद पूसा संस्थान, अगर हम सब तरफ से देखें तो किसी भी विश्व स्तरीय संरचना के मुकाबले का है, लेकिन यह अभी भारतीय संस्थान है। तो क्या आईसीआर परिवार आज ये संकल्प कर सकता है कि हमारी संस्था के जीवन का ये दसवां दशक है और इस दशक में हमारी संस्था के जीवन के 100 वर्ष पूरे होंगे, तो हम जो शताब्दी वर्ष आए तब तक कोई रोड मैप हम ऐसा बना सकते हैं क्या कि हमारा ये पूसा संस्थान राष्ट्रीय संस्थान के बजाय अंतरराष्ट्रीय संस्थान बने? इस दिशा में सभी वैज्ञानिकों को मुझे लगता है कि विचार करने की आवश्यकता है, और मैं आप सब की क्षमताओं पर पूरा भरोसा करता हूं कि आप सब इस लक्ष्य को लेकर चलेंगे तो एक दिन वो अवश्य आएगा जब हम इस संस्थान को अंतरराष्ट्रीय संस्थान के रूप में तब्दील करने में सफल होंगे। कई दिन से हम लोग आईसीआर के साथ बैठते हैं तो डीजी साहब और बाकी सभी हमारे वैज्ञानिक गण हमेशा इस बात की चिंता करते रहते हैं कि हमारे पास बजट की कमी है और उसके कारण जितना अपेक्षित कार्य है वो कार्य हम नहीं कर पा रहे। अब आईसीआर का पूरा संसार देश भर में फैला हुआ, डीजी साहब से लेके फोर्थ क्लास एम्प्लाइज तक इस परिवार के सदस्य हैं। हम सब लोगों को अपने ढांचे पर भी आत्मलोकन करने की आवश्यकता। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि आईसीआर को रिसर्च के लिए और साधन मिलना चाहिए, और इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी मैंने एक दो बार बीच में अनुरोध किया कि आईसीआर की प्रोग्रेस को, केबीके की प्रोग्रेस को, उनके योगदान को आपके समक्ष आना चाहिए, और इसलिए आपका इनपुट मिलेगा तो उनकी यात्रा को और सफलता प्रदान करने में आपका सुझाव उनको मदद करेगा। और उसके पीछे मेरा भी यही दृष्टिकोण था, कुल मिला के प्रधानमंत्री जी के भी ध्यान में आए कि ये आईसीआर की क्या क्या उपलब्धियां हैं और क्या क्या जरूरतें हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अल्प आग्रह पर वो समय दिया और हमारे डीजी साहब और बाकी सब लोगों ने मिलकर उनके सामने प्रेजेंटेशन किया तो आईसीआर की गतिविधियों को हम उनके समक्ष रखने में सफल हुए। लेकिन अगर
हम ऐसे ही सामान्य तौर पर विचार करते हैं कि कुल मिला के जो वर्तमान अवस्था हमारी बजट की है, इसमें हम और अधिक काम कैसे कर सकते। तो हमारे इस क्षेत्र का बजट 8,000 करोड़ रुपया है। अब 8,000 करोड़ में 6,000 करोड़ रुपया तनख्वाह में चला जाता है, 2,000 करोड़ रुपया बाकी सारे काम में आता है। अब ये मैं समझता हूं कुल मिला के उल्टा अर्थशास्त्र, जबकि तनख्वाह पर इतना व्यय नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि साइंटिस्टों की आवश्यकता है और उनकी आजीविका विषय भी है। देश भर में इतने संस्थान फैले हुए हैं, उनको सफलतापूर्वक संचालन करना है, तो निश्चित रूप से यह व्यय हमें करना पड़ेगा। लेकिन आईसीआर में काम करते समय हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा यह हमारी आजीविका पर खर्च हो रहा है, और इसलिए इस बजट का जो प्रतिसाद है वो देश की कृषि को हम अधिकतम कैसे दे सकते हैं, ये सुनिश्चित करने का प्रयास हमको अपनी भूमिका के माध्यम से करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाद में जब साधन बढ़ेगा तो साधन आप सब लोगों के पास आएगा, लेकिन जब साधन अभी जितना है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा कैसे योगदान कर सकते हैं, यह हम लोगों के ध्यान में निश्चित रूप से रहना चाहिए। अभी रूपाला जी और अपना गुजरात के बाजरे की बात कर रहे थे, उस दिन पीएम ने भी उस ओर ध्यान दिलाया था। तो वो बाजरा या उससे संबंधित तमाम प्रकार की किस्में, चाहे वो मिलेट की हो, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे वो चावल की हो, चाहे वो हमारा पशुधन की हो, चाहे वो फिशरीज की हो, हमारे प्रोडक्ट में क्या खासियत है जो वर्तमान परिवेश में लोगों के लिए अधिक उपयोगी हो सकती है। दूसरे बाजरे से ये बाजरा क्यों अलग है और इसकी खासियत क्या है? आज हम सब देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस दिशा में बहुत तेजी के साथ प्रवृत्त हो रही है कि वो वही ग्रहण करे जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। एक समय था लोग पेट भरने के लिए खाते थे, तो कुछ भी प्राप्त है जो सामने है उसे खाओ, थोड़ा तादाद से ज्यादा भी खाओ। एक समय ऐसा भी था कि शाम को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अभी मिला तो खा लो। लेकिन आज स्थिति बदल रही है, तो आज कम पैसे में ज्यादा लाभदायक फल कौन सा हो सकता है, कम पैसे में मोटा अनाज कौन सा उनको उपलब्ध हो सकता है ज्यादा उनके लिए उपयोगी हो, सब्जियों में क्या स्थिति हो सकती है। जैसे उस दिन कड़कनाथ मुर्गे की बात चल रही थी, अब ऐसे कहने को तो हम लोग कड़कनाथ की दुनिया भर की व्याख्याएं कर देते हैं, लेकिन जब तक इसका प्रमाणित रीजन नहीं बता पाएंगे हम और किसी रिसर्च में इसको प्रकट नहीं कर पाएंगे, ये ऐसी तमाम सारी चीजों को, तब तक निश्चित रूप से उनका मार्केट हमें मिले यह संभव नहीं होगा। तो आईसीआर पर उत्पादन की भी जिम्मेवारी है, उत्पादकता की भी जिम्मेवारी है, जलवायु परिवर्तन में भी हम कैसे सस्टेन करें इसकी भी जिम्मेवारी है, हमारा कौन सा प्रोडक्ट अधिक निर्यात हो सकता है ये भी जवाबदारी है, और जो अपूर्णताएं देश में हैं जिन पर हम आयात के लिए निर्भर हैं वो निर्भरता भी हमारी कैसे खत्म हो सकती है, तो ये बड़ा जवाबदारी का काम आईसीआर के कंधों पर है। और इस दिशा में आप सब लोग प्रयत्नशील रहते ही हैं, लेकिन और प्रयत्न करने की हमें आवश्यकता है। उस दिशा में मुझे लगता है हमारे वैज्ञानिक गणों को सोचना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित रूप से अनुरोध है। और मैं डीजी साहब को कहना चाहूंगा कि वो अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और बाकी फसलों के
जो ऐसे चुनिंदा प्रोडक्ट हैं उनकी पहचान करके और उनकी जो अच्छाई है जो सारी दुनिया में हमारे को मार्केट उपलब्ध करा सकती है, लेकिन जानकारी के अभाव में वो मार्केट हमें उपलब्ध नहीं हो रहा, तो इसके लिए एक नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। उसमें हमारे वैज्ञानिकों ने तर्क रखना चाहिए और उसके जर्नल छपना चाहिए, वो जर्नल्स पूरे दुनिया के बाजार में जाएं, जिससे कि इस प्रकार के हमारे जो उपयुक्त प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बाजार खुल सके और हमारी प्रतिष्ठा और बढ़ सके और इसका यश जो है हमारे उषा संस्थान को मिल सके। ऐसा मैं इस स्थापना दिवस के मौके पर आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ। दूसरा, दलहन और तिलहन के क्षेत्र में अभी हमें काम करना और शेष है। पिछले दिनों आप सबके काम के आधार पर, किसानों के परिश्रम के आधार पर, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर दलहन में हमारी बहुत अच्छी स्थिति हो गई, लेकिन तिलहन में आज भी हम आत्मनिर्भर नहीं है और लगभग 70-75 हजार करोड़ रुपए का इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। अभी मंत्रालय इस दिशा में भी विचार कर रहा है कि जितना इंपोर्ट हो रहा है उसमें अधिकतम पाम ऑयल का ही हो रहा है, तो पाम ऑयल की खेती को हम क्यों नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए कुछ पॉलिसी बदलने के लिए निर्णय करने की आवश्यकता है, तो संजय जी उस दिशा में विमर्श कर रहे हैं। लेकिन अब पाम ऑयल की दृष्टि से भी अनेक प्रकार के सुझाव, पाम ऑयल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है और उस पेड़ से फल को निकालना आसान नहीं होता, तो क्या हम पाम ऑयल के क्षेत्र में अनुसंधान कर सकते हैं कि उसकी लंबाई घटाई जा सके, क्योंकि लंबाई घटेगी तो निश्चित रूप से उसमें जो अपना प्रोडक्ट की कीमत थोड़ी बहुत कम होगी, जितना ऊंचा होगा उतना उसमें मजदूरी ज्यादा देना पड़ेगी। ये उस क्षेत्र के लोगों के सुझाव आते हैं, तो इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए। तिलन के क्षेत्र में तिलन मिशन भी हमारा है, लेकिन निश्चित रूप से नई किस्में ईजाद हों जिससे तिलन की उत्पादकता बढ़े, यह समय की जरूरत है। इस मामले में जो आवश्यक निर्णय कृषि मंत्रालय भी अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर कर रहा है, लेकिन कुल मिला के किस्मों का ईजाद तो ICR नहीं करना है, उस मामले में तो और किसी की कोई भूमिका है नहीं, तो इस दृष्टि से भी हम सब लोगों को इस मामले में सोचना चाहिए। आज मैं इस मौके पर महापात्रा जी, संजय जी, प्रधान जी और आपकी पूरी टीम को अभी तक जो काम किए गए उनके लिए हृदय से बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और कृषि मंत्रालय और हमारे सचिव महोदय, हम मंत्रीगण सब पूरी ताकत के साथ आपके पीछे खड़े हुए हैं। आप निर्भीकता के साथ रिसर्च करें और निश्चित रूप से जो समय की आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूर्त करने में ICR का महत्वपूर्ण योगदान रहे, यही इस अवसर पर मेरा आप सबसे अनुरोध है। और आज इस पूरे कार्यक्रम से जितना वैज्ञानिक गण जुड़े हैं उन सबको भी उनके योगदान के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। स्थापना दिवस सबके लिए शुभ हो, और मुझे लगता है कि जब 93 स्थापना दिवस के अवसर पर इस समारोह में हम लोग मिलें तो कुछ नई उपलब्धियों के साथ मिलें, यही कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय। हाँ, मैं उम्मीद है कि आपके मार्गदर्शन और सहयोग से परिषद और भी उन्नति अवश्य करेगा और साथ ही कृषि क्षेत्र में नए नए आयाम भी अवश्य ही हासिल करेगा आगे आने वाले समय में। इसी के साथ अंत में अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी परिषद के विशेष सचिव श्री बी प्रधान जी से कि वे सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री जी श्री कैलाश चौधरी जी, हमारे एग्रीकल्चर के सचिव श्री संजय अग्रवाल जी, डेयर के सचिव श्री त्रिलोचन महापात्र जी, मेरे साथी एडिशनल सेक्रेटरी श्री संदेश कुमार सिंह जी, उपस्थित पदाधिकारीगण, महानुभव शासी निकाय के गवर्निंग काउंसिल के मेम्बर, एएसआरबी के चेयरमैन एवं मेंबर्स, एडीओ एवं सज्जन, ज्यादा समय नहीं लेते हुए कहने के लिए काफी कुछ है। मोटा मोटी तौर पर यह कहा जा सकता है, ये जो महामारी ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है और एक अवसर भी। इसी दरमियान इसी क्षेत्र में सरकार ने काफी कुछ किया है और मैं उसका अभी यहाँ पर वर्णन करने लगूं तो कम से कम जो है ना 4 घंटे की कौन पड़ेगी। मई महीना में माननीय वित्त मंत्री एक स्टिमुलस पैकेज लेके आए जो 20 लाख करोड़ की है, उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए जो है ना लगभग 4 लाख करोड़ का एक पैकेज है और सबसे जो महत्वपूर्ण है 1 लाख करोड़ की एग्री इंफ्रा फंड है, 20,000 करोड़ की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, 15,000 करोड़ की एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रा फंड की, 4,000 करोड़ की अर्बन खेती के लिए, बी कीपिंग के लिए 5 करोड़ और हमारे पीएम किसान के जो बेनिफिशियरी उनको किसान क्रेडिट कार्ड से सैचुरेट करना है 31 मार्च 2021 तक के लक्ष्य है और उस स्टिमुलस पैकेज में लगभग 2 लाख करोड़ की और 2.5 करोड़ किसान की आच्छादित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। मगर ये जो दोनों ऑर्डिनेंस हम लोग लाए 5 जून को, एक ट्रेड और कमर्स की है और एक एपीएमसी रिफॉर्म्स की है। ये ऑर्डिनेंस जो एक्सपर्ट लोग आते हैं ये एग्रीकल्चर के लिए 1991 की मोमेंट्स। मैं इतना ही कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री का जो भी लक्ष्य है डबलिंग द फार्मर्स इनकम, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट $30 बिलियन से $60 बिलियन करना है और बदलते परिस्थिति में ये जो महामारी है ये आज हमको एक हाउ टू लिव, हाउ टू वर्क एंड हाउ टू अर्न अवर लाइवलीहुड यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इन द एरियाज ऑफ रिफॉर्म्स। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं आज के दिन पे हमको ये सोचना होगा स्किलिंग क्या होगा, रीस्किलिंग क्या होगा और अपस्किलिंग क्या होगा। बदलते परिस्थिति में हमारे जो साइंटिस्ट हैं हमको ये सोचना होगा जो चैलेंजेस है भले वो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का हो या हमारे रिसोर्स यूज एफिशिएंसी की बात हो। संक्षेप में ये कहना चाहूंगा हमारे लिए जो लक्ष्य रखा गया माननीय मंत्री महोदय का जो भी दिशा निर्देश है, जो मार्गदर्शन है, मेरा पूरा विश्वास है इस सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं और वेब से भी जितने लोग जुड़े हुए हैं, हम आपके जो आशा है, आपके जो विश्वास है उस पर उभर कर आपकी जो सपना है, प्रधानमंत्री का जो दिशा है, जो विजन है, उसको भरपूर मेहनत से हम लोग उसको पूरा करेंगे। अंत में महोदय अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल के आपका जो नेतृत्व है और दोनों विभाग, मैं तो कहूंगा तीनों विभाग, ग्रामीण विकास, कृषि एवं पंचायती राज, पिछले 3 माह में करीब ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2 लाख करोड़ से ऊपर की राशि रूरल इकोनॉमी में सरकार ने दिया और बाकी जो सेक्शन है मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो इस पर जरूर
ये महामारी का असर पड़ा, बट महत्व एग्रीकल्चर एक ऐसे क्षेत्र है इस दरमियान ये भी 3% से ऊपर का जो ग्रोथ रेट किया। ज्यादा समय नहीं लेते हुए महोदय आपका जो दिशा निर्देश है और जो परिस्थिति को देखते हुए जो चैलेंजेस को देखते हुए 10,000 एपीओ का गठन करना है या क्लस्टर डेवलपमेंट करना है या किसान का आय दोगुनी करना है, ये जो भी लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री ने दिए हुए उस पर जरूर हम लोग मेहनत करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के दिशा में अथक परिश्रम करेंगे और माननीय मंत्री जी का प्रधानमंत्री जी का जो भी सपना है उसको साकार करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि किसानों की उन्नति हो, कृषि क्षेत्र का विकास हो, इस दिशा में परिषद निरंतर कार्यरत है और आगे भी रहेगा और इसी कामना के साथ आप सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे 12वीं स्थापना दिवस पर आधारित इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रूपाला जी नमस्कार।